नमस्कार दोस्तों दोस्तों आइए आज देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 55। क्लियर। अगर 55 का किसी संख्या में गुणा करना है तो उसे बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं और विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। क्लियर। अब दोस्तों ये चीज करने के लिए आप देखिए करते क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर ये 55 है तो 55 दोस्तों दो चीजों में टूटेगा, या 55 को हम दो चीजों में ब्रेक करेंगे, 11 × 5। क्लियर। अगर हमने 11 × 5 किया तो 55 होगा। तो पहले तो हम 11 के बारे में समझ लें और 5 के बारे में समझ लें। क्लियर। तो हमारा आंसर बहुत आसान हो जाएगा। जैसे 11 से कोई मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है कि 11 से किसी संख्या में गुणा कैसे करते हैं, लेकिन फिर से बताता हूं। जैसे हमने कर दिया 1, 2, 3 × 11, तो 11 से किसी संख्या में जब गुणा करते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले इसे नोट कर दो, इसके बाद क्या करते हैं लास्ट वाले को भी नोट कर दो अगर करना चाहते हो, अदरवाइज ये हमने नोट कर दिया फिक्स है। इसका इसमें जोड़ेंगे तो बोलो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 3, और लास्ट में क्या होता है 1। ये इसका आंसर हो गया। अगर इसका हम कर देंगे तो दोस्तों 1353, यही इसका आंसर हो गया। क्लियर। अगर कोई और देख लेते हैं कि अब यदि हमने कर दिया मान लीजिए 1, 2 × 11, तो क्या करेंगे 2 कर दीजिए और इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 3 हो जाएगा और लास्ट में 1 लिख दीजिए, यही आंसर हो गया। क्लियर। तो ये मैंने आपको बताया हुआ मेथड। अब हम 5 पे थोड़ी सी चर्चा कर ले कि 5 का कैसे होगा। दोस्तों यदि 5 से हमें किसी में क्या करना है, गुणा करना है, तो उसको हम लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं, 10/2। यदि हमें किसी को 25 से करना है तो इसे हम 100/4 लिख सकते हैं, 4×25 = 100। यदि आपको 125 करना है तो हम यहाँ पर 1000/8 लिख सकते हैं। यदि हमको 625 से गुणा करना है तो यहाँ पर हम 10000/16 लिख सकते हैं। क्लियर। अगर ये चीजें आपको पता हैं तो ये आप बड़े आसानी से कर लेंगे। क्लियर। तो आइए एक लाइन में कैसे मारना है क्वेश्चन का आंसर वो देख लेते हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए कि कोई हमसे यदि कह देता है सिंपली कोई भी संख्या यदि मान ले लीजिए, जैसे किसी ने कह दिया सर 1, 2, 3 को 55 से गुणा करिए। क्लियर। तो सबसे पहले 1, 2, 3 × 11 × 55 लिखेंगे। अब पहले जो सिस्टम है वो इसके साथ वर्कआउट कर लेंगे और इसके साथ आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 3, और एक इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी जस्ट ऊपर बताया हूं, ये 3 का 3 रख देते हैं, इसके इसमें जोड़ेंगे तो 3 × 2 = 5, और इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, और ये सिंगल रख देते हैं, ये आंसर हो गया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, 5 से करना है। अब 5 से जब गुणा करना होता है तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि क्या कर देते हैं, 10/2 से गुणा कर देते हैं, 10/2। अब 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए आप कि 0 बढ़ा करके 2 से भाग दे दीजिए। क्लियर। 0 बढ़ा करके 2 से भाग दे दीजिए, क्यों, 5 का हम जानते हैं 10/2 होता है, तो अब इसको 2 से काट दीजिए, वही आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों आंसर करेंगे 2 × 6 = 12, 2 × 7 इसको 2 × 7 = 14, और यहां पर जाएगा तो 1 बचेगा, तो 2 × 6 = 12। अब 12 × 1 = 2×5 = 10, यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि किसी भी संख्या में यदि 55 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये आदत डाल लेंगे तो आप एक लाइन में कर दिया करेंगे। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपने समझ में आ गई होगी। जैसे मैं एक और आपको बता देता हूं, उसको भी देख लीजिए। जैसे मान लेते हमने यहां कर दिया 3, 4, 2 × हमने यहां पे 55 कर दिया मान लेते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले इसको क्या करना है, 3, 4, 2 × 11 = 5 करना है। अब कंडीशन इसके साथ तो इसे पहले 2 लिख लो, यहां पर बोलो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 6, और इसको कर देंगे 4 × 3 कितना हो जाएगा, 7, और यहां पर 3, 11 का मल्टीप्लिकेशन हो गया।
अब जो पांच बचा अभी हमने किसके साथ काम किया, 11 के साथ, अब जीरो बढ़ा के और दो से भाग दे दीजिए, तो जीरो बढ़ा करके दो से भाग दे दीजिए, वही आंसर होगा। और दो से वो संख्या अवश्य कटेगी, क्योंकि दो से दुनिया की वो संख्या अवश्य कटती है जिसका इकाई अंक एक सम संख्या होता है, तो जीरो भी तो एक सम संख्या है, जीरो इज द इवन नंबर, जीरो एक सम संख्या है। दोस्तों काट दीजिए, इसको काटेंगे तो दो एक कम दो, एक यहाँ पर ध्रुवट 16 और यहाँ से एक जाएगा तो ध्रुवट 16, अब यहाँ पर बचेगा तो इसको काट दीजिए तो दो एक कम दो और यहाँ पर लास्ट में कितना बच जाएगा, जीरो। यही हमारा दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर। अगर इसको आप काट देंगे तो बड़े आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, करके देख लीजिए। तो अगर दोस्तों इसी चीज को हम गुणा करेंगे या इसको करेंगे, देखिएगा हम मिस्टेक ना हो, यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, दो एक कम दो, दो अठे दो अठे और यहाँ पर बचेगा तो कितना हो जाएगा, वन दो एक कम दो और एक जीरो, करेक्ट आंसर है, क्लियर। अगर हम दो गुणा करें दो आठ दो सोलह छह हसलाई एक, करेक्ट है, क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये 55 का मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए जिससे उनको ये चीज बहुत आसान लगने लगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखना है तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको कर लीजिए, जिससे आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे और आपको शिक्षा बहुत ही आसान लगने लगेगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आप करके देख लीजिए और हमारे कुछ वीडियो देख लीजिए। दोस्तों अगर और कोई भी क्वेश्चन हो, और भी कोई ट्रिक हो, बनवाना हो, तो आप मुझे कमेंट्स करिए, जब भी टाइम मिलेगा मैं जरूर आपकी सेवा में हाजिर हूंगा। धन्यवाद दोस्तों।